पोलियो फ्री लाहौर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। रावी टाउन के रिहायशी मोहम्मद अली का 26 माह का बेटा वायरस का शिकार होकर जा बहक हो गया। मंगल के रोज नेशनल लेबोरेटरी की रिपोर्ट में वायरस की तस्दीक की गई थी। वैक्सीनेशन के बावजूद बच्चे में वायरस की मौजूदगी काबिले तश्वीश करा। स्मार्ट लॉकडाउन और एसओपीज पर अमल दरामद के मजबूत नतायज सामने आए हैं। मवेशी मंडियों और ईद पर भी अवाम को एसओपीज पर अमल करना होगा। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर महमूद शौकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्रुप चेयरमैन ने कहा, कोरोना नीचे जरूर आया लेकिन ये हतमी नहीं है, कमी के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के खिलाफ करप्शन और अकरबा परवरी के नारे, फजीलत लाल को अहदे से हटाने का मुतालबा। सुपरिटेंडेंट की बरतरफी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। रावी टाउन के रिहायशी मोहम्मद अली का 26 माह का बेटा वायरस का शिकार होकर जा बहक हो गया। मंगल के रोज नेशनल लेबोरेटरी की रिपोर्ट में वायरस की तस्दीक की गई थी। वैक्सीनेशन के बावजूद बच्चे में वायरस की मौजूदगी काबिले तश्वीश करा। स्मार्ट लॉकडाउन और एसओपीज पर अमल दरामद के मजबूत नतायज सामने आए हैं। मवेशी मंडियों और ईद पर भी अवाम को एसओपीज पर अमल करना होगा। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर महमूद शौकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्रुप चेयरमैन ने कहा, कोरोना नीचे जरूर आया लेकिन ये हतमी नहीं है, कमी के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के खिलाफ करप्शन और अकरबा परवरी के नारे, फजीलत लाल को अहदे से हटाने का मुतालबा। सुपरिटेंडेंट की बरतरफी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।